अच्छा जी, तो अभी तक हमने क्या कर लिया है? सबसे पहले हमने एक बना लिया डायलॉग फ्लो का चैट पॉट, राइट? अच्छा, और इस डायलॉग फ्लो के चैट पॉट को हमने इंटीग्रेट कर लिया है, नंबर वन एसएमएस से कर लिया है, राइट? और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको भी नजर आए। अच्छा, एसएमएस से कर लिया है, और आपने किससे कर लिया है, और कौन सा प्लेटफॉर्म है? एसएमएस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर और फोन नंबर पे कर लिया हमने, और एक और प्लेटफॉर्म पे भी किया है, वेबसाइट पे कर लिया हमने। अच्छा, ये जो हमने वेबसाइट पे किया है, ये हमने उसके थ्रू किया है, एम्बेडेड कोड के जरिए, कि एक एम्बेडेड कोड डायलॉग फ्लो ही आपको दे देता है, और वो आप ले जाके किसी भी वेबसाइट पर पेस्ट करते हैं तो वो बन के आ जाता है। अच्छा, अब हम आज करने जा रहे हैं React की ऐप से इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, हमारा जो बना हुआ चैट बॉट है उसको React की ऐप से इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अच्छा, और हमारे पास ये जो है, ये है डायलॉग फ्लो, राइट? अच्छा, और हमारा जो नेक्स्ट, यानी आज की इंटीग्रेशन के बाद हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम वेबहुक। किस चीज का लिंक? सही है, वेबहुक अभी तक हमने नहीं पढ़ा। हमने डायलॉग फ्लो के ऊपर एक बेसिक चैटबॉट बना लिया है, जो वेदर एप्लीकेशन है छोटी सी, आप उससे कुछ पूछते हैं, और आप लोगों ने अपने अपना वर्चुअल वर्जन भी बना लिया था रिज्यूम में, कि आपसे कोई आके बात करे। तो हमने सबसे पहले ये वाली चीज पढ़ी है, उसके बाद हमने एक एक करके उसको सब जगहों पे इंटीग्रेट कर दिया। एसएमएस से भी उससे बात कर सकता है बंदा, व्हाट्सएप से भी बात कर सकता है, टेलीग्राम से भी, फेसबुक से भी, कॉल करके भी बात कर सकता है, किसी वेबसाइट पे भी जाके उससे बात कर सकते हैं। और अब हम एक रिएक्ट की जो चैट एप्लीकेशन होती है, क्योंकि अच्छा हम ये क्यों कर रहे हैं रिएक्ट ऐप पे इसको इंटीग्रेट, उसका रीजन ये है कि जो वेबसाइट पे एम्बेडेड कोड है ना, उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है, राइट? जिस तरह का रिस्पॉन्स वो देता है आपको वही करना पड़ता है, इवन दो कि आप उसमें हर चीज का कलर भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वो हेडर का कलर चेंज करना आपको अलाउ करता है, बाकी अगर आप चाहते हैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो क्या है, छोटा हो क्या है, फॉन्ट कोई और आप रोबोटो लगाना चाह रहे हैं फॉन्ट, ठीक है, या एरियल लगाना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, होपफुली वो फ्यूचर में कर दें, लेकिन अभी तक तो नहीं। अच्छा, फिर अगर आप चाहते हैं कि उस पे फुल कंट्रोल, तो वो भी नहीं है। अच्छा, फिर आप अगर उसमें इमेजेस दिखाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कंपोनेंट्स दिखाना चाहते हैं, तो वो भी उसके अंदर चीजें पॉसिबल नहीं होती है। फिर आप चाहते हैं कि चैटबॉट से अगर मैं कार्ड वगैरह बनाऊं, तो वो वेबसाइट में भी लोकल लेवल पे मैं उसको कर सकूं, तो वो भी उसमें आप नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिल्कुल एक आइसोलेशन के अंदर चल रहा होता है, ठीक है? और फिर उस पे आप बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की चीजें भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो आइसोलेशन जो है ना आई फ्रेम की, तो आई फ्रेम की जो आइसोलेशन है उस पर बहुत सारी चीजें करने नहीं देता आपको, गूगल क्रोम का ब्राउजर आपको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रोक देता है, तो उसमें ये सारी लिमिटेशंस की वजह से हम उसको रिएक्ट की ऐप में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, हम एक रिएक्ट की एप्लीकेशन पहले बना चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, आप रिएक्ट की बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने क्या बनाया था, दो एप्लीकेशन बनाई थी हमने रिएक्ट की, एक चैट एप्लीकेशन बनाई थी हमने और एक वेदर एप्लीकेशन बनाई थी रिएक्ट के ऊपर। अच्छा, वेदर की जो एप्लीकेशन थी रिएक्ट पे, उसमें क्या होता था कि बंदा आता था, एक उसके सामने बॉक्स बना हुआ होता था, उसमें कुछ भी लिख के वो सबमिट का बटन दबाता था, सिटी का नाम लिख के, एक्चुअली सबमिट का बटन प्रेस करता था, तो सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाती थी और वहां से वो वेदर डिटेल लाके डिस्प्ले करता था। एक तो ये था हमारे पास, दूसरा हमने बनाया था चैट एप्लीकेशन। चैट एप्लीकेशन क्या थी कि यूजर हेलो बोलता था, तो सामने से जावास्क्रिप्ट से उसको एक रिस्पांस कर देता था, कंप्यूटर हार्ड कोडेड रिस्पांस कर देता था, ठीक है? तो इस तरह की हमने एक ऐप बनाई थी जिसमें हमने सर्वर से वो डेटा मंगवाया था, रिस्पांस जो मंगवाया था वो सर्वर से हमने मंगवाया था। अच्छा, तो हम उसी
अपने जो रिस्पॉन्स है ना उस पर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। उसी वाले जो जो चैट एप्लीकेशन बनाई थी उसमें जो रिस्पॉन्स हार्ड कोडेड आता था, अब वो रिस्पॉन्स हम कहाँ से लाने की कोशिश करेंगे, डायलॉग फ्लो से लाने की कोशिश करेंगे। डायलॉग फ्लो जो रिस्पॉन्स देता है वो वहां पर आए। अच्छा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ ड्रॉइंग को और हम वापस आ जाते हैं अपने डायलॉग फ्लो में। ये हमारा डायलॉग फ्लो का वो चैटबॉट है जो हमने अभी तक डायलॉग फ्लो में ये बना लिया है। कितने इंटेंट, दो इंटेंट बना लिए हमने, और एक वेदर इंटेंट है। वो क्या करता है, सिटी का नाम पूछता है आपसे और उसके अगेंस्ट वो वेदर आपको बता रहा होता है, ठीक है। वेदर डिटेल अभी यहाँ पे एक्चुअल नहीं है, यहाँ पे हार्ड कोडेड वेदर डिटेल है अभी, ठीक है। लेकिन हम ये एक्चुअल वेदर कब पढ़ेंगे, जब हम वेबहुक पढ़ेंगे, तो वेबहुक अभी इस वाले इंटीग्रेशन के बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, तो अभी कहीं से भी कॉल करेगा बंदा इस चैटबॉट को, कहीं से भी इस चैटबॉट से बात करने की कोशिश करेगा, तो उसको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो चैटबॉट में हार्ड कोडेड हुआ। अगर फोन करके वो पूछता है कि भाई व्हाट्स द वेदर, तो उसको हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसी तरह रिएक्ट की ऐप में अभी जो हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, जब रिएक्ट की ऐप में भी बंदा बात करेगा और पूछेगा व्हाट्स द वेदर, तो उसको ये हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और इंशाल्लाह इसके बाद जैसे ही हम वेबहुक पढ़ेंगे तो ये हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स पर डायनेमिक बन जाएगा, फिर डेटाबेस से ये डेटा आ रहा होगा या किसी ओपन वेदर एपीआई से आ रहा होगा। बाय द वे, ओपन वेदर वालों ने ना वो सिटी का पूरा ही सब जगह से हटा दिया, कि सिटी का नाम लिख के जो वेदर मंगवाते थे ना वो हर एपीआई से उन्होंने हटा दिया। कोई दूसरी एपीआई तलाश करेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में तो वो जाहिर हम नहीं कर पाएंगे, आज तो रिएक्ट से इंटीग्रेशन कर ले तो आज का गोल हमारा अचीव हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में जब हम वेबहुक पढ़ेंगे तो उस वक्त तक मैं कोई हम कोई दूसरी एपीआई इस्तेमाल कर लेंगे। हम क्रिकेट की कोई एपीआई हम एक दफा लगाई है हमने, राइट, क्रिकेट की एपीआई। अच्छा, वो दूसरी क्लास में। बैक टू बैक मैं असल में दो तीन क्लासें पढ़ा रहा था तो सम टाइम मैं मिक्स कर जाता हूँ, इसीलिए मैं ये चीजें रिपीट करता हूँ कि हम ये चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं ताकि कुछ ना पढ़ाओ तो सामने से आप बताए। तो मेरी जो अजम्पशन थी वो मैंने इसीलिए मुंह से बोल दी कि हम ये चीजें पढ़ चुके, ठीक है, ताकि अगर कोई चीज मैं मिक्स कर रहा हूँ किसी दूसरी क्लास के साथ तो वो क्लियर हो जाए। तो हम खैर कोई भी दूसरी एपीआई इस्तेमाल करेंगे। क्रिकेट की एक ओपन एपीआई मौजूद है जो चलता हुआ मैच है उसका वो लाइव स्कोर वगैरह दे रहा होता है, तो हम उस तरह की कोई चीज बना लेंगे कि भाई क्रिकेट अभी कौन सा मैच चल रहा है, तो वो बोले भाई अभी T20 फला फला स्टेडियम में चल रहा है, आप बोलेंगे यार मुझे उसका स्कोर बता दो, तो वो स्कोर बता दो, ठीक है। इस तरह की हम कोई एपीआई ले लेंगे। कोविड का एक ट्रैकर है, उसकी भी एपीआई ओपन है, ठीक है, किस कंट्री में अभी कितने लोग इन्फेक्टेड है वो आपको बता रहा होता है, रियल टाइम डेटा कर दे रहा होता है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर, किस चीज का लिंक, ये यहाँ पे दिखेगा आपको, ये यहीं पे दिखेगा। मैं जूम इन कर दूंगा, मसला नहीं है। अभी ये तो वीएस कोड पे होगी ना सारी कहानी, यहाँ तो डायलॉग फ्लो पे जो करना था वो हम कर चुके हैं। नहीं नहीं दिखेगा, कोई मसला नहीं। अभी सही हो जाएगा, दो मिनट में। अच्छा जी, तो हम तलाश करते हैं कि वो वाली चैट एप्लीकेशन कहां पर है। वो हमने जब रिएक्ट पढ़ा था तो रिएक्ट में ये दो एप्लीकेशन बनाई थी, वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसकी एक अदद कॉपी बना लेते हैं, किसमें, डायलॉग फ्लो के अंदर एक कॉपी बना लेते हैं इसकी, ठीक है जी। एक इसकी मैंने कॉपी बना ली और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूं, इसका नाम कर देता हूं मैं 3, ठीक है, रिएक्ट ऐप इंटीग्रेशन। ये असल में हुआ ही है कि वो कॉपी कर रहा था और इतने में मैंने उसको क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, तो वो बेचारा कॉपी नहीं हो पाया। तो हम उसको हाथ से अलग से चीजें ना सारी अंदर से कॉपी करके ले, सही तरह से कॉपी नहीं हुआ था और उसका मैंने नाम चेंज कर दिया। अच्छा जी, तो अब जो हमारी ये रिएक्ट की एप्लीकेशन थी, पहले तो इसको हम चला के देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें एग्जिस्टिंग जो कुछ हुआ हुआ है वो क्या हुआ हुआ है इसका राइट नाउ। अच्छा, तो इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस फोल्डर में आना पड़ेगा।
ठीक है, तो इस फोल्डर में आ जाता हूं मैं कहता हूं CD05, उसके बाद CD3, ठीक है, React App Integration इस फोल्डर में हम आ चुके हैं। बड़ी जल्दी जल्दी आ जाओगे। अच्छा यार ये कॉपी इतनी देर में होगा, पता नहीं क्या होता। हो गया कॉपी? हाँ कॉपी हो गया भाई। ठीक है कॉपी हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ा वेट करना। अच्छा मैं एक दफा npm i इसमें चला देता हूँ, ठीक है एहतियातन, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा नॉट मॉड्यूल कॉपी हो गया था। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, npm start enter, ठीक है जी। तो ये मेरे पास ऐप रन हो गई है और इस ऐप के अंदर क्या कुछ है वो अभी हमें नजर आ जाएगा सामने ही। अच्छा इस रिएक्ट की ऐप के साथ एक छोटा सा सर्वर भी हमने बनाया था, वो नजर नहीं आ रहा था। ये मैंने गलत ऐप कॉपी कर दी, मैं जब भी बोल रहा इसमें बहुत क्यों दिख रहा हूँ, ये चैट ऐप वाली मुझे कॉपी करनी थी और मैंने, ठीक है मैंने क्या किया गलत ऐप कॉपी कर दी। बट वो सर्वर की फाइल मुझे अभी भी इसमें नजर नहीं आ रही, तो रिस्पॉन्स कहाँ से लिया था मैंने? हाँ नहीं एक्सियोस यूज तो किया था लेकिन कहीं ना कहीं सर्वर होगा ना हमारा जिससे रिस्पॉन्स आ रहा था। चलो वो हम सर्वर बना लेंगे, हंसना नहीं। थोड़ी सी देखी थी मैंने फेसबुक पे, लगाई तुमने वीडियो फेसबुक पे? लगाओ फेसबुक पे लगाओ, मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा बढ़िया, अच्छा जी। तो ये वो React की चैट एप्लीकेशन है जो हमने इससे पहले बनाई थी। इसमें अगर बंदा बोलता है हाय, ठीक है, तो सामने से डमी रिस्पॉन्स आ जाता है। इसके लिए कोई सर्वर गालबन नहीं लगाया था हमने, हमने इसके अंदर ही ना SRC की फाइल के अंदर ही हमने क्या किया था, हमने कहा था कि एक्सियोस डॉट पोस्ट करो और अगर वो फेल हो जाए तो भी एक रिस्पॉन्स हमने रखवा दिया था यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया था, एक्सियोस से एक रिक्वेस्ट भेजी थी लोकल होस्ट 3000 और करके एक सर्वर हमने बनाया हुआ था। अच्छा अगर उससे रिस्पॉन्स आ जाता है तो वो रिस्पॉन्स डिस्प्ले करवा दो, अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं आता है तो डमी रिस्पॉन्स फ्रॉम चैटबॉट ऐसे करके दिखा दो, ठीक है। अच्छा अब मुझे करना यह है कि मैं एक्सियोस डॉट पोस्ट जो है ना ये वाला, ये मैं डायलॉग फ्लो की API यहां से डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है ना, असूलन तो ये होना चाहिए। अच्छा लेकिन कुछ केसेस में डायलॉग फ्लो की API यहां से डायरेक्ट कॉल हम नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में हम डायरेक्ट कॉल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं अपने सर्वर पर रिक्वेस्ट को लेके जाते हैं, जैसा कि हमने टेलीग्राम में फेसबुक मैसेंजर में इन चीजों में हमने पहले से देखा हुआ है कि ये क्या करते हैं अपना जो मैसेज है इसको एक टियर में भेजते हैं मिडल टियर पर और वहां से फिर हम डायलॉग फ्लो पे उसको भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करने लगे,
हम अपने मैसेज को रिएक्ट की एप्लीकेशन से डायरेक्ट डायलॉग फ्लो पे नहीं भेजेंगे, बावजूद इसके कि हम भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस सूरत में होगा क्या कि हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं डायलॉग फ्लो पे, वो हमें फ्रंट एंड पे रखना पड़ेगा, जो कि सिक्योर नहीं है, ठीक है। हमें फ्रंट एंड पे क्रेडेंशियल रखना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए, ताकि क्रेडेंशियल हमारे ओपन ना हो जाए, हम ये काम सर्वर पे करेंगे। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, छोटा सा एक सर्वर बना लेते हैं यहाँ पर, अच्छा जी। अब सर्वर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पूरी फाइल है ना अपनी, इसको उठा के क्या कर दूंगा, एक फोल्डर बना दूंगा वेब के नाम से, उसमें भेज दूंगा, ठीक है। जो एक क्लासिक तरीका है सर्वर और इसको एक साथ चलाने का, मैं वो तरीका करता हूँ। मैंने कहा वेब और एंटर किया, और ये सारी चीजें उठा के मैं क्या करूंगा, वेब में भेज दूंगा। ठीक है, इन सबको मैंने उठाया और वेब के अंदर मैंने ट्रांसफर कर दिया उसको। अच्छा, और यहां पे आके मैं क्या करूंगा, index.mjs के नाम से एक सर्वर की फाइल बना लूंगा। index.mjs हो गया, अच्छा। और मुझे यहाँ पे सर्वर के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए होती है, मुझे पूरा एक बॉयलर प्लेट चाहिए होता है, जो मैं क्या करता हूँ, हमारे नॉट जेएस की क्लास में से हमने जो बनाया हुआ था कोड, वो पूरा यहाँ पे उठा के ले आता हूँ। अच्छा, ये मैं जो कॉपी करके ला रहा हूँ, इसका मतलब जस्ट ये कि हम कोई नई चीज नहीं कर रहे, ये हम पहले से कर चुके हैं, उसी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, एक जगह पे लाके इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, ये हरिकोड डिप्लॉय के नाम से जो था ना पूरा मेरा, क्या था, हरिकोड डिप्लॉय के नाम से जो था, इसको मैंने पूरा कॉपी कर लिया यहाँ से, यहाँ ठीक है, और उसको लाके हमने कहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी, यहाँ पे लाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने npm i चला दिया, ताकि सर्वर की जो भी डिपेंडेंसीज है वो क्या हो जाए, वो फुलफिल हो जाए मेरी। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया, अब सर्वर को मुझे रन भी करना है, मैंने कहा npm run dev, अच्छा उसमें dev का वो नहीं लिखा हुआ, लिख देते हैं, ठीक है, dev की उसमें स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी तो मैंने लिख दी। ये मेरा सर्वर चलना शुरू हो गया, अभी सर्वर में क्या लिखा हुआ है अभी हम वो देखते हैं, हमारे मतलब की चीज उसमें जाहिर है नहीं लिखी गया, एक बॉयलर प्लेट कोड है वो। अच्छा, मुझे सर्वर भी रन करना है साथ में, और साथ में क्या करना है, मेरा फ्रंट एंड भी रन करना है, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया बीच में से, स्प्लिट करके अब मैं दोबारा से उसी फोल्डर में आ जाता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्प्लिट किया तो वो रूट डायरेक्टरी पे चला गया। अच्छा, तो मैंने कहा कि cd05 and then cd3, ठीक है, रिएक्ट इंटीग्रेशन में आ गया था। अब इसके अंदर मैं चला जाऊंगा cd web, क्योंकि मेरा फ्रंट एंड जो है वो पूरा वेब के फोल्डर में पड़ा हुआ है। वेब के फोल्डर में जाने के बाद मैं npm i चलाऊंगा, क्योंकि मैंने एक जगह से दूसरी जगह कॉपी किया, तो समटाइम नॉट मॉड्यूल जो है वो सही तरह से कॉपी नहीं हो पाता, तो इसलिए एहतियातन मैंने npm i चलाया, ठीक है, जरूरत नहीं थी लेकिन उसकी। अच्छा, और मैंने npm स्टार्ट दबा दिया। अब इससे क्या हुआ, लोकल होस्ट 3000 पे मेरा रिएक्ट की एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और लोकल होस्ट 3000 पे मेरा सर्वर भी चल रहा है। मुझे सर्वर की ना पोर्ट चेंज कर देनी चाहिए, मैं सर्वर की ना पोर्ट कर देता हूँ 7000, ठीक है। अच्छा, 5000 ना मेरे पास इसलिए नहीं चलता, वो मैंने बाद में गूगल किया, 5000 मेरे पास तुम लोगों ने देखा होगा नहीं चलता कभी भी, वो कोई नया मंजन निकाला है एयरप्ले, वो लैपटॉप में भी उसका फीचर आ गया एयरप्ले का, कि फोन से एयरप्ले कर सकते हैं, तो वो इस वजह से ना 5000 उसके लिए रिजर्व कर दिया। अब ये फिगर आउट करने करने में ना मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ लैपटॉप, मैं सब कुछ करके देख लिया है, मैंने कहा पता नहीं क्या रन हो रहा है बैकग्राउंड में, मैंने कहा पता नहीं चाइना ने मेरे ऊपर स्पाय तो नहीं छोड़ दिया है ना, हवावे का राउटर लगा हुआ होता है ना घर में, तो एक धड़कन दिल में धक धक रहती है,
यार हवावे का राउटर है, कहीं कुछ डाल तो नहीं दिया चाइना वालों ने? अच्छा भाई, तो मैंने अपने सर्वर को 7000 पे करके रन कर दिया। अरे एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, अब तो पक्का मुझे लग रहा है कुछ, अब पता नहीं 7000 भी पता नहीं किसी चीज के लिए रिजर्व ना हो गए। 7000 बंद कर देता हूँ, चलो 7001 मेरा रन हो गया। तो अभी मेरा जो सर्वर रन हो रहा है वो 7001 पोर्ट पे रन हो रहा है, और मेरा जो फ्रंट एंड है वो किस पे रन हो रहा है, 3000 पे रन हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले ये करता हूं कि अब मैं प्रॉपर एडिटिंग करना शुरू कर रहा हूं, जो यानी जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, जो काम अब एक्चुअल करना मैं शुरू कर रहा हूं। ये तो हमने पुराने प्रोजेक्ट से कॉपी करके बॉयलर प्लेट तैयार कर लिया, अभी एक्चुअल काम होने जा रहा है इसको। अच्छा, तो app.jsx पे जो मैं सर्वर को कॉल करता था, अब वो सर्वर में कौन सा कॉल करूंगा, 7001। ठीक है, और टॉक टू चैटबॉट के नाम से इसमें एक बनाया हुआ है, चलो ठीक है भाई यही कर देते हैं, टॉक टू चैटबॉट। और यहाँ पे मैं एक पोस्ट बना देता हूँ, ठीक है, एक पोस्ट और टॉक टू चैटबॉट। ठीक है, अच्छा इसमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दिया मैंने, आई एम हेलो वर्ल्ड चैटबॉट। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि हम रिस्पॉन्स मेरा जेसन भेजें, ठीक है, क्योंकि जेसन में बेनिफिट ये रहता है हमें कि कल को कोई और मजीद कीज भी ऐड करनी हो ना तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें मैसेज ऐसे लगा देता हूँ, और एक ये मैंने जेसन रिस्पॉन्स बना लिया। अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग भेजता ना तो मेरे लिए बाद में ये पॉसिबल नहीं रहता कि मैं उसमें मजीद चीजें ऐड कर लूँ। अब मुझे इसमें मिसाल के तौर पे करना है कि फ्रॉम ऐसे कुछ भी लगाना है तो वो मैं भेज सकता हूँ, मेरे फ्रंट एंड पे वो इस्तेमाल हो रहा हो या ना हो रहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर भेज रहा हूँ कोई चीज इस्तेमाल तो मसला नहीं। अदरवाइज अगर मेरे पास स्ट्रिंग होती तो उसमें मैं एडिशनल पैरामीटर्स भेजने के लिए पॉसिबल नहीं रहता। अच्छा भाई, अभी यही पूछ रहा हूँ कि क्या बात है। अच्छा, तो खैर अभी मुझे एडिशनल पैरामीटर नहीं चाहिए कोई, मेरे पास एक मैसेज रिप्लाई आ जाए वो ही मुझे चलेगा। अच्छा, मैं अपने फ्रंट एंड पे, अच्छा यहाँ से रिप्लाई में क्या भेजते हैं, आई एम ए हेलो वर्ल्ड सर्वर रिस्पॉन्स, आई एम हेलो वर्ल्ड सर्वर रिस्पॉन्स, ये कर दिया हमने इसको। अच्छा, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा के बाद मुझे क्या मिलेगा, डॉट मैसेज मिलेगा, राइट। अब मुझे यही चीज क्या करनी है, ये मेरा वो रिप्लाई है जो मुझे मिला है, तो मुझे यहाँ पे ये रिप्लाई रखवाना पड़ेगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट मैंने नाम रखा है ना, तो सर्वर पे भी मैं टेक्स्ट इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट रख देता हूँ ताकि दोनों में नाम सेम रहे। ठीक है, मैंने सर्वर पे भी टेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैसेज पॉइंट आके टेक्स्ट कर दिया, हाँ ऊपर पे भी इसको मैं टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है जनाब, नजर आएगा ना, करीब आके बैठो। अच्छा जी, ये मेरा सेंड मैसेज का फंक्शन है जो किस पे चलता है, सेंड का बटन दबाने पे चलता है। और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले सेट मैसेज जो मेरा एक स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल हम सब पढ़ चुके हैं पहले क्या होता है, सेट मैसेज जो है उसमें मैं क्या करवाता हूँ, सेंडर इक्वल्स यूजर और टेक्स्ट इक्वल्स टेक्स्ट, जो भी बंदे ने अभी टेक्स्ट मैसेज लिखा है वो मैं रखवा देता हूँ। अच्छा, मतलब यूजर का जो मैसेज है वो डिस्प्ले करवा देता हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि स्टेट वेरिएबल को मैं स्क्रीन पे रेंडर करवा रहा हूँ मैप के थ्रू। अच्छा, उसके बाद ये रिक्वेस्ट लगाता हूँ मैं सर्वर पे, ठीक है, अभी मेरा सर्वर लोकल है, कल को ये हरिको पे भी होगा। अच्छा, उसके देन पे जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, उसका सेंडर मुझे पता है कि बॉट है, ठीक है, तो मैंने वो हार्ड कोडेड बॉट लगाया और मैंने कहा टेक्स्ट जो है वो ये भेजा है बॉट पे, और इसको भी मैं कहाँ रखवा रहा हूँ, मैसेजेस का जो स्टेट वेरिएबल है मेरा सेट मैसेज करके उसमें मैंने रखवा दिया, ताकि चैटबॉट का भी जो रिप्लाई है वो भी स्क्रीन पे रेंडर हो जाए। ठीक है,
ठीक है जी। उसके बाद मैंने ई डॉट टारगेट डॉट रीसेट किया, इससे क्या हुआ मेरा जो फॉर्म था वो रीसेट हो गया, मतलब जो टैक्स बॉक्स जिसमें बंदा टाइप कर रहा था वो रीसेट करवा दिया, उसको खाली करवा दिया। उसके अलावा टैक्स करके मैंने वेरिएबल बनाया हुआ था, जिस स्टेट वेरिएबल जिससे मैं इनपुट से वैल्यू उठाता था। रिएक्ट से पहले हम क्या करते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उठाते थे वैल्यू, लेकिन रिएक्ट में अब हम स्टेट वेरिएबल के थ्रू भी उठा सकते हैं, एक रेफ होता है उसके जरिए भी उठा सकते हैं, ठीक है, यूज रेफ, वो हमने कवर नहीं किया क्लास में। सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। अच्छा तो ये जनाब हमारा जो है ना ऑलमोस्ट काम हो चुका है यहाँ पे जितना करना था। मैं अब यहाँ पे आके जरा मैं हाई लिखता हूँ, डमी रिस्पॉन्स फ्रॉम चैटबॉट, मतलब अभी भी सर्वर मेरा फेल हो रहा है। ओहो क्रॉस ओरिजिन का इशू आ रहा है, क्रॉस ओरिजिन के इशू के लिए हम सर्वर पे क्या करते हैं कौन बताएगा, कोर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमने कोर्स किसी में यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। भाई ना पहले किया हुआ है, वहां से कॉपी करके लाएंगे लिखेंगे क्यों, वही तो ना लिखा हुआ है, देख लो जाके कैसे लिखा हुआ, समझ लो वहां से, ये दो लाइनें ही तो कॉपी की है ना मैंने, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ, कोई मैं ऐसा तो नहीं है कि बाहर से करके ला रहा हूँ, इम्पोर्ट किया और ये एप डॉट यूज लगा दिया, दो लाइनें लिखी है मैंने, ठीक है। अच्छा साथ में मुझे इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो मैंने रोका चलते हुए सर्वर को, ये जो मेरा चलता हुआ सर्वर था इसको स्टॉप किया, npm i और cores, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉल नहीं है तो वो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है जी, cores के बाद अगर जो ये मैंने लिखा है ना इसका मतलब होता है सबको अलाउ कर दो, ये प्रोडक्शन में रेकमेंडेड नहीं है लेकिन ये सबको अलाउ कर रहा होगा, इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि एरे में आपको वो सारे ओरिजिन्स देने होते हैं जहां जहां से रिक्वेस्ट आप चाहते हैं कि आए जाए मेरे सर्वर, ठीक है, तो वो यहाँ पे एरे में पास करना पड़ता है, वो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में चीज मौजूद है। तो कोर्स जो है वो काम ये करता है, असल में क्रॉस ओरिजिन गूगल क्रोम का और जितने भी मेजर ब्राउजर है इनका सिक्योरिटी फीचर है, ठीक है, कि अगर कोई वेबसाइट नहीं चाहती कि इससे जो है सर्वर को एक्सेस किया जाए तो उसके लिए हेल्प आउट करता है गूगल क्रोम, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर facebook.com ये चाहता है कि मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट जब ही आए जब यूजर के पास facebook.com लिखा हो, कोई और चीज ना लिखी हो, ठीक है, तो इन चीजों को स्टैंडराइज, स्टिल क्रॉस ओरिजिन से आप सिक्योरिटी ब्रीचेस को रोक नहीं सकते लेकिन कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं। जो नॉर्मल यूजर है, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल ही लेमैन है, वो सम टाइम हैक होने से बच जाता है क्रॉस ओरिजिन की वजह से, ठीक है, तो इसलिए स्टिल आप इसके जरिए चीजों को रोक नहीं सकते, ब्रीचेस को रोक नहीं सकते, लेकिन ये समझ लो एहतियाती मेजरमेंट है, ठीक है। अब मैंने हाई लिखा तो ये मेरे पास से सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया, राइट, ठीक है। अच्छा तो अब मेरी ये चैट एप्लीकेशन जो है रिएक्ट की ये सर्वर से कनेक्ट हो गई, अब जब भी मैं प्रेस करूंगा सर्वर में मैसेज आएगा, वहां से रिस्पॉन्स आएगा। अब सर्वर पे हमें क्या सेटिंग करनी है, डायलॉग फ्लो से कनेक्ट करना है अपने सर्वर को, ठीक है। मैं डायरेक्ट डायलॉग फ्लो को रिएक्ट से भी कनेक्ट कर सकता था, ठीक है, वो आप करके देख लीजिएगा, लेकिन उसमें आपकी क्रेडेंशियल ओपन हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्रेडेंशियल ओपन होने से क्या होता है कि वही चैटबॉट में कोई और भी अपने में डिप्लॉय कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम क्योंकि डायलॉग फ्लो को तो नहीं पता ना कि कौन है कौन नहीं है, वो तो क्रेडेंशियल देखेगा और वो इस्तेमाल करना दे देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कोई लाइव क्रिकेट का चैटबॉट बनाया था, आपने लाइव क्रिकेट के अपडेट्स का चैटबॉट बनाया, आपने एपीआई वगैरह सब लिखी है, सब कुछ किया है, तो आप किस कोई आया वहां पे, उसने देखा भाई यार ये तो चैटबॉट है, उसने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, उसको डायलॉग फ्लो के क्रेडेंशियल मिल गए, उसने सेम चीज अपने वेबसाइट पे जाके लगा दी, ठीक है, तो अब उसकी वेबसाइट से भी आपका चैटबॉट इस्तेमाल हो रहा होगा, आपको पता नहीं चलेगा, पता तो खैर चलेगा जब बिल आएगा वो, लेकिन इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं डायरेक्टली फ्रंट एंड पे उसको डिप्लॉय नहीं करते। अच्छा अब इसके लिए जनाब हम क्या करेंगे, अब यहां पे हमें कोई लाइब्रेरी चाहिए एक अदद जिसके जरिए मैं क्या कर सकूं डिटेक्ट इंटेंट कर सकूं, ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं डिटेक्ट इंटेंट, के मैं डायलॉग फ्लो कोई भी टेक्स्ट कहीं से भी मेरे पास आया है उसको मैं डायलॉग फ्लो में भेजना चाह रहा हूं और डायलॉग फ्लो का रिस्पांस लेना चाह रहा हूं,
तो इस चीज को हम कहते हैं डिटेक्ट इंटेंट। अच्छा तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, मैंने कहा डायलॉग फ्लो डिटेक्ट इंटेंट, ठीक है भाई। अच्छा ये इनकी HTTP रिक्वेस्ट है, ठीक है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट इंटेंट कर सकते हैं। एंड पॉइंट ही हटा दिए जवाब। अच्छा तो ये मैं कहाँ मौजूद हूँ, ये मैं मौजूद हूँ डायलॉग फ्लो की डॉक्यूमेंटेशन में, रेफरेंस वाले पार्ट में, एक है गाइड इसमें, एक है रेफरेंस वाला पार्ट, तो मैं रेफरेंस वाले पार्ट में मौजूद हूँ और उसमें REST API रेफरेंस में हूँ। अच्छा REST API में इनके पास क्या है, V2 है और एक V2 बीटा है, ठीक है, तो हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, V2 इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बीटा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हम आ गए ये V2 के अंदर, ठीक है, ये इसके एंड पॉइंट्स इन्होंने बता दिए कि भाई ये एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, dialogflowapis.com। अच्छा अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिकली मैं एशिया से हिट करूं जल्दी रिस्पांस लेने के लिए, तो आप वो एशिया वाला कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन कुछ केसेस में क्रिटिकल भी हो सकता है, लेकिन अभी तो ऑप्शनल ही है। अच्छा अब जो डायलॉग फ्लो की APIs है ना, इसमें दो तरह की APIs है, ठीक है, कौन कौन सी दो तरह की APIs है, एक है प्रोजेक्ट से रिलेटेड APIs कि आप ना, क्योंकि डायलॉग फ्लो का जो पूरा एजेंट है ना आपका, उस पूरे एजेंट में आप जो कुछ भी वहां डैशबोर्ड पर जाके करते हैं ना, वो सारी चीजें आप API के जरिए कर सकते हैं, ठीक है, ना सिर्फ डिटेक्ट, क्योंकि डिटेक्ट इंटेंट क्या होता है, साइड में टेस्ट पर जाके लिखता हूँ, रिस्पॉन्स सामने दिख जाता है, तो ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इंटेंट ऐड करना, इंटेंट को रिमूव करना, ठीक है, पूरे पूरे एजेंट को डिलीट करना और क्रिएट करना, ये भी आप कर सकते हैं REST API। अच्छा तो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कि भाई डिलीट एजेंट, गेट एजेंट और सेट एजेंट, कि पूरा एजेंट आपको मिल जाएगा, एजेंट के अंदर जितने इंटेंट है सब कुछ आपको मिल जाएगा इस API को कॉल करने से, ठीक है। अब इस API के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें बताएगा कि भाई किस किस किस्म की परमिशन आपको इसमें चाहिए ये चीज इस्तेमाल करने के लिए, और सो ऑन जो भी चीज है। अच्छा उसके बाद ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है सारे, अब उसके बाद ये एजेंट से रिलेटेड चीजें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कि एजेंट से रिलेटेड चीजें जिसमें आपके ना एंटिटी क्रिएट करना, एंटिटी डिलीट करना, अभी हमने एंटिटी शायद इतने अच्छे से नहीं देखा, तो एंटिटी स्लॉट की तरह होता है जो अलेक्सा में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो सारी चीजें क्रिएट करना, उसके अलावा काफी सारी चीजें जो जो आप हमारे डैशबोर्ड पे करते हैं, इसी में कहीं पे एक आ रहा होगा डिटेक्ट इंटेंट, अब उसके लिए हम सर्च कर रहे हैं session.entityType session.detectIntent होगा क्या, ठीक है, session.context session.entityType session.version control कर लेते हैं, ये आ गया भाई डिटेक्ट इंटेंट, शायद मैं इस पे से गुजर गया था। अच्छा तो ये डिटेक्ट इंटेंट है, इसमें क्या करना होगा आपको, ये इसका URL है, ठीक है जी, ये इसका URL है। अच्छा ऊपर हम बेस URL देख चुके हैं, बेस URL के बाद से यहाँ पे चीजें बताई जा रही है, मिसाल के तौर पे क्या था ऊपर dialogflow.googleapis.com इस तरह कुछ था, .com के बाद /v2 / उसके बाद session equals to और उसके बाद एक प्रॉपर एक इन्होंने सिंटैक्स बताया कि इस तरह करके आपने ना एक ID लिखनी है, ठीक है। अच्छा वो कैसे लिखनी है, सबसे पहले प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट की आईडी, उसके बाद एजेंट, उसके बाद एनवायरमेंट, उसके बाद एनवायरमेंट की आईडी,
अब इसके अंदर चलते हैं पूरी डिटेल ताकि अंदर हमें अच्छे से पता चल जाए। अच्छा अब ये जो है ना सेशन में इसको क्या पास करना है ये पूरा इन्होंने यहाँ पे डिटेल से बताया है। ठीक है क्या होगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट्स होगा, उसके बाद प्रोजेक्ट की आईडी होगी। ये प्रोजेक्ट की आईडी क्या चीज है, जब हम डायलॉग फ्लो में जाते हैं ना इसकी सेटिंग में जब हम जाते हैं तो अंदर मुझे प्रोजेक्ट की आईडी शो कर रहा होता है, ये मेरी प्रोजेक्ट की आईडी है राइट। जस्ट टू मेक इट क्लियर कि ये प्रोजेक्ट आईडी क्या चीज है। अच्छा उसके बाद एजेंट लिखूंगा मैं जैसे लिखा वैसे ही, उसके बाद सेशंस लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा सेशन आईडी। अच्छा सेशन आईडी क्या चीज है, सेशन आईडी मेरी मर्जी का कोई भी रैंडम स्ट्रिंग, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग। ठीक है सेशन आईडी क्या चीज होती है कि अगर मेरे 6 यूजर एक साथ चैटबॉट से बात करना शुरू कर दे तो मैं 6 के 6 यूजर को एक यूनिक सेशन आईडी बना के उससे बात करवाता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक सेशन आईडी लिखा 123 तो बंदे ने बोला हाय तो उसको एक जवाब मिल गया। ठीक है अब अंदर जाहिर है कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हुआ होगा उसके, यानी उस कन्वर्सेशन में कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हुआ होगा कि भाई बंदे ने बोला बुक अ रूम, उसने बोला भाई कितने लोगों के लिए बुक करना है, अब उसने एक सवाल पूछा है ना, ये बोलेगा 2 बंदों के लिए करना है, तो ये सेशन आईडी 123 पे ही चल रहा है ये सारा कुछ, या एबीसी जो भी मैंने लिखा था उस पे चल रहा है। अच्छा अगर किसी और ने ना एक्स वाई जेड वाले सेशन आईडी ने बोला कि 2 तो उसको 2 समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा ये 2 क्या है, वो कहेगा भाई बुक रूम बोलो या तो आई हैव अ कंप्लेंट बोलो, समझ रहे हो। तो ये सेशन आईडी हर बंदे को यूनिक हम असाइन करते हैं। अच्छा आमतौर पर मैं क्या करता हूँ सेशन आईडी की जगह पे बंदे का यूजर नेम डाल देता हूँ, जाहिर है मेरी वेबसाइट पे बंदे का कोई ना कोई यूजर नेम होगा। ठीक है ईमेल भी डाल देता हूँ कभी कभी, लेकिन ईमेल में एक प्रॉब्लम आता है, ईमेल में एक प्रॉब्लम ये आता है कि सेशन आईडी में ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं करता ये, तो अगर वो स्पेशल कैरेक्टर खुदा ना खास्ता आ गया ना किसी, क्योंकि आपको थोड़ी पता किसी यूजर की क्या ईमेल है, तो खुदा ना खास्ता अगर वो आ गया किसी में तो फिर आपको मसला कर जाएगा। ठीक है तो कोई भी ऐसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे MongoDB में जाहिर है जब भी यूजर क्रिएट होता है उसमें एक आईडी क्रिएट होती है, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होता, नंबर होता है और लेटर्स होते हैं, तो वो इसमें मैं डाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो यूजर का जो भी वो आईडी होगी डेटाबेस वाली वो मैं यहाँ डाल देता हूँ ताकि जब भी ये यूजर बात करे इसी आईडी से बात करे। अच्छा और ये सेशन आईडी एक्सपायर हो जाती है 5 मिनट के बाद, अगर बंदे ने बात करते करते छोड़ दिया 5 मिनट तक उस सेशन आईडी पे कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुई, तो वो जो भी कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हुआ था अंदर वो 2 बंदों के लिए पूछ रहा था या पूछ रहा था कि कौन सा रूम चाहिए, वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है अच्छा सेशन आईडी मैंने दे दिया। अच्छा अब ये और आ गया। अच्छा एक सेशन वाला केस है, एक एनवायरमेंट वाला केस है। एनवायरमेंट हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक कि क्या होता है, तो एक सेशन भी हो सकता है एक एनवायरमेंट भी हो सकता है, तो एनवायरमेंट को भी हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, तो हम सेशन के जरिए काम कर रहे होंगे। अच्छा तो ये ना सेशन पूरा इस तरह करके बन जाएगा। अच्छा उसके बाद कॉलन और डिटेक्ट इंटेंट, ये पूरा मेरा URL है। ठीक है जिसके जरिए क्या हो रहा होगा, मैं इस URL के जरिए हिट करूंगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, डायलॉग फ्लो के सर्वर में जाएगी, और डायलॉग फ्लो के सर्वर में स्पेसिफिकली मेरे एजेंट पे जाएगी क्योंकि मैंने एजेंट की क्या लगाई है आईडी भी लगाई है, और वहां से मुझे रिस्पॉन्स आ जाएगा कुछ। अच्छा अब सेशन के अलावा मुझे और क्या क्या देना पड़ता है इसको, मुझे रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उसमें देना पड़ता है इस तरह का कुछ डेटा। ठीक है अच्छा क्वेरी पैरामीटर्स, ये एक मुझे देनी पड़ेगी चीज। अच्छा ये क्वेरी पैरामीटर क्या चीज है, इसको मुझे ये इसकी ना असल में टाइप बताई गई उन्होंने, तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं, ये असल में मुझे वो टेक्स्ट भेजना पड़ेगा ना, नेट चला गया नहीं, नहीं। वो असल में दूसरी क्लासेस में भी ये नजर आ रहा होता है ना, तो वहां से गलती से कभी कभी हो जाता है। अच्छा तो मैंने दूसरे उसमें ना टैब में इसको ओपन कर लिया कि क्वेरी पैरामीटर्स क्या होता है। ठीक है क्वेरी पैरामीटर है ये कि टाइम जोन, कि किस टाइम जोन से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अगर बंदा बोल रहा है कि 2 days फ्रॉम नाउ, मैंने उससे पूछा भाई फ्लाइट कब चाहिए आपको बुक चाहिए, वो कहेगा भाई 3 days फ्रॉम नाउ, तो वो किस टाइम जोन से बात कर रहा है, जब तक मुझे ये पता नहीं होगा ना मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अमेरिका में तो अभी अभी सुबह हुई है। ठीक है अभी हमारी डेट और अमेरिका की डेट अभी 1 हुई है, लेकिन अगर ये क्लास दोपहर को 2 बजे हो रही होती तो अमेरिका में क्या डेट होती, 1 डेट पीछे होगी, हम 1 डेट आगे आ चुके होते।
ठीक है, तो डेट आपको दुनिया में इस वक्त आधी दुनिया में ना, क्योंकि हम प्लस में 5+ है हमारा, तो आधी दुनिया में डेट बाद में चेंज होती है, ठीक है, हमारी डेट पहले चेंज हो जाती है, क्योंकि जो -8 -10 में जो रह रहे हैं वो हमसे कितने तकरीबन 10 घंटे 11 घंटे दूर है, वो तो उनकी डेट बाद में, तो इसलिए टाइम जोन मुझे देना पड़ता है। अच्छा, अगर आप नहीं देंगे टाइम जोन तो वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेता है कि जो चैटबॉट का टाइम जोन होगा ना बनाते हुए मानता है, वो क्या हुआ, स्टक हो गया, वो वाला चल रहा है, हाँ? मैं रोक के दोबारा लगा देता हूँ। ओ अच्छा, ये पता है क्या हो गया इस पे, ये हो गया है कास्टिंग टैब, सही है, अब ये सेट हो जाएगा। सर मैं डिफॉल्ट में ना वो पूरा स्क्रीन नहीं ला रहा होता, टैब ला रहा होता। अच्छा अच्छा, एक तो ये हो गया क्वेरी पैरामीटर्स, इसमें कुछ चीजें थी वो एक दो हमने डिस्कस कर ली, बाकी आप खुद से पढ़ दीजिएगा क्योंकि वो लंबी कहानी है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेरी इनपुट, जाहिर है मैं डायलॉग फ्लो पे जब रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मुझे कोई क्वेश्चन भी तो साथ में भेजना पड़ेगा ना, कोई टेक्स्ट हो कुछ हो, कि बंदा जैसे हाय बोल रहा था वो हाय भेजना पड़ेगा, बंदा बोल रहा है आई वांटेड टू बुक अ फ्लाइट तो वो फ्लाइट वो टेक्स्ट भेजना पड़ेगा, तो वो मैं भेजूंगा क्वेरी इनपुट के अंदर, राइट। अच्छा, क्वेरी इनपुट को मैं नए टैब में खोल लेता हूँ कि क्वेरी इनपुट में क्या क्या चाहिए उसको, ठीक है। अगर ऑडियो इनपुट आप भेज रहे हैं तो ऑडियो कॉन्फिग आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। ऑडियो कॉन्फिग का मतलब कि किस फॉर्मेट में क्या बिटरेट है क्या है वो सारी, अब वो उसमें आप नीचे डॉक्यूमेंट में मजीद डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट भेज रहे हैं तो टेक्स्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। ये यूनियन फील्ड है, यूनियन फील्ड का मतलब क्या होता है कि इन तीनों में से कोई एक ही भेज सकते हैं आप एक वक्त में, तीनों नहीं भेज सकते, यूनियन फील्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में क्या है, यूनियन फील्ड है, ठीक है। तो अगर ऑडियो भेज रहे हैं तो सिर्फ ऑडियो जाएगी, अगर टेक्स्ट भेज रहे हैं तो सिर्फ टेक्स्ट जाएगा, ठीक है। अगर आप तीनों भी भेज देते हैं ना तो वो सबसे पहले वाले को पकड़ लेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा, तो यूनियन फील्ड इस वजह से इसको कहते हैं। अच्छा, तो टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट का भी नीचे इन्होंने पैरामीटर वो बताया है, टाइप उसकी, ये टेक्स्ट की टाइप कैसी होगी वो मैं नए टैब में खोल लेता हूं। टेक्स्ट की टाइप ना इस तरह की होगी, टेक्स्ट होगा और लैंग्वेज कोड होगा, सही है। अच्छा, तो अब इसको अगर मैं ट्रांसक्राइब कर लूं अपने पास कोड के अंदर, तो अब मेरी बॉडी किस तरह की बनेगी वो मैं बना लेता हूँ, क्योंकि तीन अलग अलग टैब्स में हमारी कहानी पहुंच चुकी है। तो मेरे पास जो बॉडी बनेगी, अगर मैं यहाँ पर जो डायलॉग फ्लो में मैं भेजूंगा बॉडी, वो मेरे पास कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। ये मेन बॉडी उन्होंने बताया, अब इसमें से मुझे क्वेरी पैरम्स तो मुझे भेजना ही नहीं है, ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ मैं इसको, जी भेजना होगा क्वेरी पैरामीटर्स तो डिफॉल्ट उठा लेगा भाई के टाइम जोन वगैरह क्या है। अच्छा, उसको मैंने बिल्कुल ही हटा दिया, ऑडियो में भेज नहीं रहा, ठीक है, तो ऑडियो को भी मैंने हटा दिया, इन दोनों चीजों को भी मैंने हटा दिया, सही। अब सिर्फ रह गया क्वेरी इनपुट। अब क्वेरी इनपुट जो है वो किस तरह का होगा, ये अगले टैब में आ जाता हूँ, ठीक है। क्वेरी इनपुट जो है ना वो ऐसा होगा, ठीक है। तो मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को हटा के क्या कर दिया, ये रख दिया है, ये तीनों फील्ड आपस में यूनियन है, तो मैं दोनों को हटा देता हूँ, एक ही बचेगा आखिर में, ठीक है। तीनों जा नहीं सकता एक साथ, एक ही जाएगा एक वक्त में, तो मेरे पास कुछ इस तरह की बॉडी बन गई। अच्छा, अब ये टेक्स्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी भी टाइप मैंने तीसरे टैब में खोली हुई, डबल डबल क्या कर दिया मैंने, ठीक है, अभी तक मेरा ये बन चुका है बॉडी। अच्छा, अब मैं तीसरे उसमें चला जाता हूँ, तो वो ये है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो मेरा जो डायलॉग फ्लो में बॉडी जाएगी वो कुछ इस तरह की बॉडी भेजूंगा मैं, राइट। अब इस तरह की बॉडी बना के
मैं रख लेता हूँ इसमें जस्ट मुझे टैक्स की जगह पे क्या रखना होगा, मुझे टैक्स की जगह पे रखना होगा जो भी मुझे बॉडी में टैक्स मिला है ना वो रखना होगा। तो मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट, सही है, इसी नाम से मुझे मिल रहा है। देख लेता हूँ एक दफा, वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई मैं कैसे करूंगा, मैं फ्रंट एंड पे जाके देखूंगा, ठीक है जी बॉडी में मुझे टैक्स मिल रहा है तो मैंने टैक्स के नाम से यहाँ पे पकड़ लिया। अच्छा लैंग्वेज कोड में डिफॉल्ट कर देता हूँ कि ENUSA, ठीक है ये डिफॉल्ट हमारा लैंग्वेज कोड है, ठीक है। अब लैंग्वेज कोड अगर आप देखना चाह रहे हैं कि भाई कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सपोर्टेड लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, यहाँ से जाके भी आप लैंग्वेज का कोड एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख दिया इंग्लिश, सही इंग्लिश US, तो ये मेरा लैंग्वेज कोड है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने अपने पास इसको पेस्ट कर दिया, सेम वही चीज है जो मैंने पहले लिखी थी, ठीक है जस्ट टू वेरीफाई। तो ये मेरी बॉडी तैयार हो गई, ठीक है ये मेरी वो बॉडी है जो मैं कहाँ भेजूंगा, डायलॉग फ्लो पे भेजूंगा। अच्छा एक चीज अब मुझे और भी चाहिए इसके साथ, एक चीज मुझे और ये चाहिए कि जब मैं ये URL हिट कर रहा हूँ ना, ठीक है जब मैं ये URL क्या कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी इसमें टोकन मौजूद नहीं है, कोई ऐसा वेरिफिकेशन का मेथड मौजूद नहीं है जो मैं इसके साथ भेजूं, ठीक है। अच्छा तो उसके लिए इन्होंने शुरू में एक बात बताई हुई है, उसके लिए शुरू में इन्होंने एक बात बताई हुई है कि आपको क्या करना पड़ेगा, OAuth 2.0 की ऑथेंटिकेशन आपको करनी पड़ेगी। कहाँ चला गया वो? अब ये OAuth 2.0 कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। ये रहा OAuth 2.0 जो है आपका, उसको लेकर उसमें ना ये दो स्कोप आपको चाहिए होंगे, ये क्या चाहिए होंगे, ये दोनों स्कोप आपको चाहिए होंगे डायलॉग फ्लो से, और डायलॉग फ्लो आपको फिर एक टोकन रिटर्न करेगा, मतलब गूगल है, गूगल ओवरऑल कंपनी गूगल है, ठीक है। तो गूगल का एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जिससे ये सब जुड़ चुके हैं, तो गूगल का जो OAuth है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको ये दोनों इसको बताने पड़ेंगे और इसके अगेंस्ट एक टोकन लेना पड़ेगा कि भाई ये टोकन मैं जनरेट कर रहा हूँ, इस टोकन के जरिए क्या क्या इस्तेमाल हो सके, ये दोनों स्कोप हो सके, ठीक है क्या हो सके, क्लाउड प्लेटफॉर्म और डायलॉग फ्लो। अभी इन्होंने अपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम में ये पूरा इंटीग्रेट किया हुआ है। अच्छा कह रहा है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन ओवरव्यू, आप यहाँ से देख लेंगे ऑथेंटिकेशन कैसे हो, चलते हैं जी इस लिंक के ऊपर और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये इनका ना ऑथेंटिकेशन का ना ओवरव्यू का पेज है, ठीक है ये दो प्रिंसिपल्स हैं, एक यूजर का अकाउंट होगा एक सर्विस का अकाउंट होगा, ठीक है गूगल के अंदर दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक यूजर अकाउंट होता है एक सर्विस अकाउंट होता है, ठीक है यूजर अकाउंट वो होता है जो जिस पे आपको ईमेल एड्रेस इशू होता है, और सर्विस अकाउंट ना आप जितने चाहे क्रिएट कर सकते हैं इंटरनली, उसको भी एक ईमेल इशू करते हैं ये हर सर्विस अकाउंट को, लेकिन जाहिर है वो सर्विस अकाउंट होता है तो वो एक किसी खास सर्विस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो हर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई सर्विस अकाउंट बनाता हूँ उसको मैं डायलॉग फ्लो का पूरा एक्सेस दे देता हूँ तो वो सिर्फ डायलॉग फ्लो के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ईमेल वगैरह उस पर नहीं भेज सकते हैं जाहिर है। अच्छा तो ये हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन जब बात हो तो वो क्या चीज है वो पूरा बताया उन्होंने, ऑथेंटिकेशन की स्ट्रेटेजीज क्या क्या है इनके पास, इन्होंने कहा भाई OAuth 2.0 प्रोटोकॉल हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल में। अच्छा फिर कुछ लाइब्रेरीज हैं गूगल क्लाउड की, ठीक है जिसके जरिए जो है ना आप APIs को हिट कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल REST API है ना मैंने Exhaust के जरिए हिट कर दी, ये कह रहे हैं कुछ लाइब्रेरीज भी उनके जरिए भी आप हिट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इसमें इस तरह की लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, ठीक है बाय द वे देख भी लेते हैं क्या पता आ गई हो, ठीक है देख लेते हैं क्या पता आ गई हो। ये लिखा हुआ है ना क्लाइंट लाइब्रेरीज, इसमें चलते हैं हम Node.js में चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास लाइब्रेरी आई है या नहीं आई है। लाइब्रेरी मौजूद है, अच्छा तो वो सारा काम जो हम REST API के थ्रू कर सकते हैं वो सारा काम इस लाइब्रेरी के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा
अब इस लाइब्रेरी को देखते हैं कि ये सेटअप कैसे होगी। ये आ गया हम नॉट जेएस पे। अच्छा लाइब्रेरी में देखें काफी जो है ना आसान हो गया करना इसको। क्या इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि भाई रिक्वायर करो डायलॉग फ्लो को। अच्छा डायलॉग फ्लो को रिक्वायर करने का ना न्यू इसका आप बनाओ क्या सेशन क्लाइंट। अब ये सेशन क्लाइंट बनाने से क्या होगा, ऐसे ही करा दूंगा। इसमें सर्विस अकाउंट कहाँ बता रहा है, तो सर्विस अकाउंट बता ही नहीं ये लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे लगेगा सेशन पाथ तो मुझे दिख रहा है। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला ये वो चीज नहीं। सर्विस अकाउंट कहाँ लगाया, नहीं लगाया, कहाँ लगाया, जेसन डाउनलोड किया फिर इसमें असल में उसको पाथ पे रखना पड़ता है। उसका एक तरीका है उसको ना एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर पाथ पे रखना पड़ता है। क्या नाम रखना पड़ता है उसका, नहीं नहीं उसका नाम क्या होता है जो एनवायरनमेंट वेरिएबल में जो पाथ सेट करते हैं उसका नाम क्या होता है, नहीं पता, क्रेडेंशियल करके ही होता है कुछ, गूगल अंडरस्कोर ऐसे क्रेडेंशियल करके होता है। अच्छा सेटअप स्टेप्स, क्रिएट एजेंट में ले गया पूरे पीछे ले गया। सेटअप ऑथेंटिकेशन ये आ गया ना, ये रहा गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल, ये इसका नाम होता है, यही नाम है ना रखा था तुमने ये वाला, पीसी में भी और उसमें भी एनवायरनमेंट वेरिएबल तो सब जगह है ना। हाँ हरिको पे भी एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये डालना पड़ता है। अभी पता चल जाएगा ये क्या है। अच्छा तो हम चीजों को समराइज करते हैं कि हमने क्या देखा अभी तक। हमने ये देखा, हमने डायलॉग फ्लो की जो रेस्ट एपीआईज हैं उनको थोड़ा गो थ्रू करके देखा कि वो किस तरह से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, एक यूआरएल होता है, फिर हम एक बॉडी में अपना टेक्स्ट डालते हैं, उसको डायलॉग फ्लो की तरफ रवाना करते हैं। अच्छा फिर उसमें हमें ओऑथ को भी परफॉर्म करना पड़ता है, तो ये काफी लंबी कहानी हो जाती है, राइट, काफी हैक्टिक हो जाती है चीज ये। अच्छा इस पे ये एक लाइब्रेरी भी हमें मिल गई है जो इन्होंने रिलीज कर दिया। अच्छा जब ये लाइब्रेरी नहीं थी तो मैंने भी इसके ऊपर एक रैपर लिखा था, जो रेस्ट एपीआई है ना इसकी, वो सारी जो चीजें हैं उस पे एक रैपर लिखा था जिसका नाम है डायलॉग फ्लो हेल्पर। ठीक है, वो भी एक नजर देख लेते हैं कि उसमें कैसे होती है चीजें। लेकिन ये सिर्फ सर्वर पे लग सकता है, ये फ्रंट एंड पे डायरेक्ट लगाना मैंने इसमें बंद किया हुआ, बंद किया गया इसमें कुछ लाइब्रेरी ऐसे ही लगी नहीं सकता फ्रंट एंड पे। ठीक है, और उसका रीजन मेन यही है कि आपके क्रेडेंशियल लीक ना हो। अच्छा उनकी खुद की भी लाइब्रेरी है, चूंकि उन्होंने एनवायरनमेंट वेरिएबल का एक शर्त रखी है, तो फ्रंट एंड पे तो होता ही है ना एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो वो भी सर्वर पे ही लग सकता है, फ्रंट एंड पे डायरेक्ट आप उसको नहीं लगा सकते, राइट। अच्छा तो ये सिंपल है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है npm i डायलॉग फ्लो हेल्पर। अच्छा उसके बाद इनिट का एक फंक्शन है, इसमें इनिट का एक फंक्शन है, उसमें सर्टिफिकेट का पूरा ऑब्जेक्ट आप पास कर देते हैं, जो आपका सर्विस अकाउंट है उसका पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीचे जो है ना एग्जाम्पल भी बनी हुई है, इनिट लिखा मैंने, उसके बाद ये पूरा सर्विस अकाउंट लाके मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और ये जो ट्रू फॉल्स है ये डीबग के लिए,
ठीक है, डीबग ट्रू डीबग फॉल्स, अगर डीबग ट्रू होगा तो कंसोल पे बहुत सारे लॉग्स आएंगे, अगर फॉल्स होगा तो कंसोल पे कोई लॉग नहीं आएगा। ठीक है, ये इनिट कर दिया हमने, ये पीछे ओऑथ वगैरह सब चीजें खुद ही परफॉर्म कर लेगा। उसके बाद क्या है, नॉट.js क्लाइंट डॉट डिटेक्ट इंटेंट, उसके बाद सेशन आईडी, उसके बाद जो भी आपका टेक्स्ट है वो भेजा आपने और आपको रिस्पॉन्स उसका मिल जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल लाइब्रेरी है, लेकिन अगर उनकी खुद की लाइब्रेरी मौजूद है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अगर हम वो चलाने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। ये प्रोडक्शन में भी कुछ क्लाइंट्स को भी मैंने लगा कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही चल रही है, मैंने अपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स में इसको लगाया था, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, अच्छा इसमें डिटेक्ट इंटेंट के अलावा इसमें इंटेंट क्रिएट करना, एंटिटी क्रिएट करना, इन चीजों की भी एपीआई को भी रेफर किया हुआ है। जी दोस्त, अरे हाँ, नमाज की जाओ जल्दी, फिर वापस आ गए यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, तो हमने रेस्ट एपीआई को ओवरव्यू देख लिया, रेस्ट एपीआई नहीं कर रहे हम, लाइब्रेरी के जरिए सेम काम कर रहे हैं। अच्छा, अलेक्सा में भी हमने सेम चीज देखी थी, अलेक्सा का जब हम वेबबुक पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने एपीआई भी बताई हुई थी, बट हम चूंकि लाइब्रेरी मौजूद थी तो हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, आसान रहता है। तो मैं रेस्ट एपीआई वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा मेरे डायलॉग फ्लो में, ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ना सैलानी क्लास डिलीट दिस, ये मेरे प्रोजेक्ट की आईडी है, इस पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करते ही मुझे ये कहां लेकर चला गया, मुझे गूगल क्लाउड के डैशबोर्ड पे लेकर चला गया। अच्छा, ऊपर नोट कीजिएगा, ये प्रोजेक्ट मेरा सेम प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, सेम प्रोजेक्ट मेरे पास ऊपर सेलेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये बर्गर मेन्यू को क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कहाँ गया, उसके बाद मैं गया APIs एंड सर्विसेज, राइट, और उसके बाद मैं गया क्रेडेंशियल्स में। आई एम नॉट श्योर कि यहीं से आता है या कहाँ से आता है, हमें सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है असल में। ठीक है जी, अब हमारे पास ना यहाँ पे देखो दो सर्विस अकाउंट पहले से बने हुए हैं, राइट। अब हमें एक अदद सर्विस अकाउंट और बनाना है, हमें क्या करना है, एक अदद सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे करूंगा मैं, मैनेज सर्विस अकाउंट्स में चला गया मैं, ठीक है, मैनेज सर्विस अकाउंट में गया तो मुझे पूरे एक डेडिकेटेड पेज पे लेकर आ गया जहां पे सिर्फ सर्विस अकाउंट बने हुए हैं। अच्छा, मैंने कहा क्रिएट सर्विस अकाउंट, ठीक है, सर्विस अकाउंट का एक नाम मुझे रखना पड़ेगा, मैंने सर्विस अकाउंट का नाम रख दिया के डायलॉग फ्लो क्लाइंट सर्विस अकाउंट। ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया अकाउंट का। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि उस अकाउंट का ना ईमेल आईडी क्यों गया, गूगल के अंदर चाहे वो यूजर अकाउंट हो चाहे वो सर्विस अकाउंट हो, हर अकाउंट का एक अदद ईमेल एड्रेस होता है। अच्छा, इसका ईमेल एड्रेस क्या होगा, @selani_delete_this.iam लास्ट में इसके, ये लास्ट वाला मैं पार्ट चेंज नहीं कर सकता, मैं शुरू वाला पार्ट चेंज कर सकता हूँ, तो मैं शुरू वाला पार्ट भी चेंज नहीं करूंगा, जो उसने रखा है वही रहने देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन मुझसे कुछ पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता मैं, बस कंटिन्यू कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन लिख के बताया। अच्छा भाई, अब ये मुझसे कह रहा है सेलेक्ट अ रोल, मैंने कहा डायलॉग फ्लो उसके बाद डायलॉग फ्लो एपीआई एक एडमिन आ रहा है, एक एपीआई क्लाइंट आ रहा है, राइट। अब मुझे इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, मुझे एपीआई क्लाइंट सेलेक्ट करना है। अच्छा, एपीआई क्लाइंट से ना क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या के लिए मुझे एडमिन की जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर मुझे डिटेक्ट इंटेंट करना है तो डिटेक्ट इंटेंट मैं क्लाइंट के जरिए कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मुझे कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, इस तरह की जो चीजें हैं, ऐसी चीजें जो फ्रंट एंड पे यूजर जब बात करेगा ना
चैट हो, तो जो चीजें करने की जरूरत पड़ती है मुझे वो इससे हो जाएगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं जैसे कि नई एंटिटीज क्रिएट करना, एंटिटीज को डिलीट करना, पूरे पूरे एजेंट को डिलीट कर देना, वो एडमिन वाले से ही होगा, वो क्लाइंट से नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि मुझे उन प्रिविलेजेस की जरूरत नहीं है तो मैं क्लाइंट वाला ही सेलेक्ट करता हूँ, बिना वजह मैं एडिशनल एक्सेस लेने के बजाय मेरे लिए वल्नरेबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में, तो मैंने क्लाइंट को यहां से सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे ही मैंने किया तो एक ऑप्शनल कोई चीज है, लेकिन बस उसको भी छोड़ देते हैं ऐसे क्योंकि ऑप्शनल है। अच्छा भाई, ठीक है, ये मिडल में आ रहा है जो हमने अभी भी क्रिएट किया है, डायलॉग फ्लो क्लाइंट सर्विस अकाउंट। ठीक है, ये मैंने इस पर क्लिक किया और इसके अंदर चला गया। ठीक है, ये जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया था, मैं किस जगह पे मौजूद हूँ, सर्विस अकाउंट्स में मौजूद हूँ, इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद मैंने कहा कि शो एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पे की क्रिएट करने, अच्छा कीज यहाँ पे कर दिया उन्होंने, सही है, यहाँ पे कीज में गया। अब मुझे यहाँ पे की क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्रिएट अ न्यू की। अच्छा, मुझे जेसन और P12 दो बता रहा है। ठीक है, जेसन जो है वो लेटेस्ट है और रेकमेंडेड भी है, P12 जो है वो पुरानी चीज है, तो मैं जेसन करके क्रिएट कर देता हूँ उसको। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई ये जो आपकी सर्विस अकाउंट का जो जेसन है, अलाउ एक्सेस टू योर क्लाउड रिसोर्सेज सो स्टोर इट सीक्रेटली। ठीक है, कि ये भाई आपको क्या करना है, इसको सीक्रेटली स्टोर करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको ओपन फोल्डर कर लिया, तो इसको मैंने क्या कर लिया, यहां से कर लिया कॉपी। यार कहां चले गए तुम लोग, अभी आ रहे हो? अच्छा, और मैं अपने होम पर आ गया, राइट। अच्छा, विंडोज के अंदर क्या होता है, सी ड्राइव होती है, मैक में और लिनक्स में होम होता है। ठीक है, तो यही चीज जो मैं होम पे कर रहा हूँ वो आप अपनी सी ड्राइव में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, मैंने कहा सर्विस, ठीक है, अकाउंट्स, सर्विस अकाउंट में एस लगा दिया मैंने और सर्विस अकाउंट्स हो गया। और इसका भी मैं नाम चेंज करके कर देता हूँ, ठीक है, सैलानी क्लास डॉट जेसन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे टाइप करने में आसान रहे। अच्छा, और फिर मैं क्या करता हूँ, अब मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल पे ना एक चीज सेट करनी है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो लाइब्रेरी में वो ऐसा बोलते हैं कि आप कोड में उसको शामिल ना करें, सर्विस अकाउंट को आप उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखें ताकि वो सिक्योर रहे, ताकि गिट में पुश करते हुए भी वो साथ में पुश ना हो। अच्छा, ये जब मैं लोकल मशीन में हूं तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, वंस मैं क्या चला जाऊंगा, जब सर्वर के एनवायरनमेंट में जाऊंगा तो आपको सर्वर में यही चीज करनी है। ठीक है, सर्वर में आपको पाथ लगा देना है। अच्छा, वो पाथ लोकल भी हो सकता है और इंटरनेट का भी कोई पाथ हो सकता है। ठीक है, आप कहीं भी उसको होस्ट कर दें, फायरबेस स्टोरेज में किसी भी जगह पे, वहां से आपको यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है, वो यूआरएल आप एनवायरनमेंट वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोकल ही लगाऊं तो लाजमी है, मैं रिमोट यूआरएल भी इसमें लगा सकता हूं। अच्छा, तो देखते हैं भाई ये कैसे करके बता रहे हैं। इसको मैंने यहां पे कर दिया क्लोज, मेरा सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया, उसको क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा, अब इनकी जो ऑथेंटिकेशन की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो हम देख रहे थे यहाँ पे, ये कौन सा वाला है, ऑथेंटिकेशन का डॉक्यूमेंट है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी बिलिंग इनेबल हो, आपके APIs इनेबल हो, ठीक है, लाभ 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 सेटअप ऑथेंटिकेशन। अब ये सर्विस अकाउंट भी हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, रोल भी दे दिया उसको हमने एक अदर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया हमने, ठीक है, लिनक्स और मैक ओएस में इस तरह से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होता है, विंडोज के अंदर इस तरह से होता है। अच्छा, विंडोज में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप टर्मिनल से ना करें, आप स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे और ENV लिखेंगे तो एक एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑप्शन शो हो जाता है। ठीक है, और उसमें जाके आप यूजर का जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसमें ये चीज आप सेट करें। ठीक है, अच्छा, तो मैं लिनक्स और मैक वाला ये तरीका कर लेता हूं। अच्छा, मुझे कहां जाना पड़ेगा इसके लिए, मुझे जाना पड़ेगा अपने होम, जो भी मेरा ये रूट है, मैंने टर्मिनल ओपन किया। बाय द वे, टर्मिनल जब मैं डिफॉल्ट में ओपन करता हूं तो ये होम पे ही खुलता है। ठीक है, ये होम वाली डायरेक्टरी पे खुलता है।
अच्छा इस होम की डायरेक्टरी को ना मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर चीजों को ना स्क्रीन से आउट करने के लिए मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, क्योंकि उसमें दूसरे क्रेडेंशियल भी लिखे हुए तो आधे दिख रहे हैं, तो वो आगे जाएगा तो पूरे दिखेंगे। अच्छा क्रेडेंशियल इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू करके मुझे पाथ देना है वो वाला, ठीक है। अच्छा पाथ कैसे देना है मुझे, होम से देना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई होम ठीक है, होम के बाद क्या है भाई, सर्विस अकाउंट्स नाम रखा था मैंने, सर्विस अकाउंट्स सर्विस अकाउंट्स ठीक है स्लैश और सैलानी क्लास, सैलानी क्लास डॉट जेसॉन, ठीक है। ये मैंने सर्विस अकाउंट किस पे सेट कर दिया, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल पे सेट कर दिया। अब मैं इस मशीन में कोई भी गूगल की लाइब्रेरी इस्तेमाल करूंगा अगर, तो वो ऑटो यहाँ से क्रेडेंशियल उठा रहे, ठीक है। सर्वर में सर्वर चलाऊंगा लोकल और कोई भी गूगल की लाइब्रेरी इस्तेमाल करूंगा वो यहाँ से क्रेडेंशियल ऑटोमेटिक उठा लेगा, उसको पता होता है कि कैसे उठाना है, ठीक है। वही एप्लीकेशन जब हरिको में जाएगी तो हरिको में भी वो इसी नाम का एनवायरनमेंट वेरिएबल तलाश करेगा। अब इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास ZSHRC था, क्योंकि मेरे पास जो टर्मिनल इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है ZSH, ठीक है। अगर बैश कोई इस्तेमाल कर रहा है लिनक्स में या मैक में तो उसके पास बैश आरसी करके आ रहा होता है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप बना ले उसी नाम से फाइल, ठीक है, क्योंकि शुरू में बिल्कुल वो होती नहीं है फाइल। समटाइम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर वो फाइल जनरेट कर देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है आप वो फाइल ढूंढते हैं वो होती नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी एनवायरनमेंट वेरिएबल इसमें लगा नहीं है अभी तक, तो वो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड में दोबारा से, ठीक है। ये बॉडी तो हम रेस्ट एपीआई के लिए बना रहे थे तो उसको हम हटा देते हैं, बॉडी की अब हमें जरूरत नहीं है। अच्छा अब हमें यहाँ क्या करना है, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है हमें, वो लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी है। वो हमें कहां से मिली थी, रेफरेंस में गया था मैं, और रेफरेंस में जाने के बाद मैं कहां गया था, क्लाइंट लाइब्रेरीज, उसके बाद मैं गया नॉट जीएस में। तो यहां पे वो लाइब्रेरी का मुझे बताया हुआ है पूरा, उसमें मैंने कहा npm इंस्टॉल और ये लाइब्रेरी का नाम, ठीक है। सर्वर को रोकता हूं मैं, और सर्वर को रोक के मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल की, और फिर सर्वर को दोबारा रन करूंगा मैं उसके बाद। ठीक है जी, लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, और लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद अब मैं कहां चला जाता हूं, इसके क्विक स्टार्ट के डॉक्यूमेंट में चला जाता हूं, इस लाइब्रेरी के जो इन्होंने यहीं पर लिंक दिया हुआ है। क्विक स्टार्ट के डॉक्यूमेंट में चला गया, और यहां से नॉट जेएस का जो पूरा कोड था, यानी कि रिक्वायर करना, ये रिक्वायर कर लिया मैंने यहां पे भाई टॉप पे इसको, ठीक है। डायलॉग फ्लो इक्वल्स, अच्छा हमारे केस में रिक्वायर नहीं होगा, हमारे केस में ये इंपोर्ट होगा, ठीक है। डायलॉग फ्लो को हमने इंपोर्ट कर लिया हमारे केस में। अच्छा उसके बाद मुझे क्या करना है, सेशन क्लाइंट को इनिशिएट करना है। सेशन क्लाइंट को मैंने शुरू में ही इनिशिएट कर लिया, ठीक है जी। डायलॉग फ्लो डॉट सेशन क्लाइंट मेरा इनिशिएट हो गया। अच्छा अब उसके बाद मुझे क्या करना है, डिटेक्ट इंटेंट का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। यहां तक यही, अब ये डिटेक्ट इंटेंट में कहां करूंगा, इस बीच में करूंगा इस जगह पे, ठीक है जी।
ये मेरा डिटेक्ट इंटेंट का फंक्शन है, इसमें कुछ पैरामीटर्स इसको इनपुट दिया हुआ है जो कि प्रोजेक्ट आईडी है, सेशन आईडी है, क्वेरी है और कॉन्टेक्स्ट है और लैंग्वेज कोड है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम समझ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, राइट। प्रोजेक्ट आईडी पता है हमें क्या होती है, सेशन आईडी हमें पता है क्या होती है, यूनिक आईडी हमारी यूजर को देते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट आईडी सबसे पहले लेकर आ जाता हूँ, कहां से मुझे मिलेगी प्रोजेक्ट आईडी मेरी। डायलॉग फ्लो में गया और मैंने कहा ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी है, ये सैलानी क्लास डिलीट दिस। अच्छा, सेशन आईडी में मैं क्या देता हूँ, सेशन आईडी 1 2 3, ये मैंने एक अभी फिलहाल के लिए बना दिया। ये मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या इसमें? अच्छा, इस फंक्शन में चेंजेस नहीं होंगी, वो नीचे अलग से इस फंक्शन को कॉल करवाया जा रहा है, वहां पे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं फिर कहाँ लगा देता हूँ, इस फंक्शन को मैं बाहर कर देता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, बिल्कुल अलग है, पूरे लॉजिक से बिल्कुल अलग है। हालांकि ये फंक्शन के अंदर जो चीज कर रहे हैं इनको लाइब्रेरी लेवल पे ही कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने ये फंक्शन अलग से बनाया। तो ये फंक्शन बना हुआ है जस्ट, ये बॉयलर प्लेट है, कॉल अंदर होगा ये फंक्शन। अच्छा, ये हो गया जी जनाब हमारे पास। एग्जीक्यूट क्वेरी भी एक फंक्शन है जो कि बाद में कॉल होगा। मेरा ख्याल है ये कोड हमें ना खुद से थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये इस तरह से नहीं चलेगा। ये हमें ना इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी जरूरत के हिसाब से। इसको मैंने कट किया यहाँ से और मैं वापस इसको अंदर लाया, और वापस अंदर लाने के बाद मैं ये फंक्शन हटा के इसको, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है जो हिट होता है, तो मैं उसके अंदर इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैं इसको फंक्शन से बाहर कर देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। और प्रोजेक्ट आईडी मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी करता हूँ, मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है। और मैंने कहा कि const project id equals this, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट ये मैंने बना दिया, सेशन आईडी का भी एक कॉन्स्टेंट बना देता हूँ, कॉन्स्टेंट इक्वल टू सेशन 1 2 3, ठीक है। ये एक फिलहाल हार्ड कोडेड है, लेकिन असूलन होगा ये कि जब रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, तो मैं वहीं से यूजर, जो भी यूजर लॉग इन है उसका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन मैं फ्रंट एंड से ही देखूं। अच्छा, कॉन्स्टेंट क्वेरी, क्वेरी क्या है, वो टेक्स्ट है जो यूजर ने बोला है अभी अभी। तो ये टेक्स्ट मेरे पास कहां से आता है, ये आता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट से मेरे पास ये आता है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट मेरे केस में कोई नहीं है, लैंग्वेज कोड मेरे केस में है, ठीक है, EN US। ठीक है, ये मैंने कॉन्स्टेंट सारे क्रिएट कर लिए जो जो मुझे चाहिए होंगे, और फिर नीचे का कोड चल रहा है। अच्छा, सेशन क्लाइंट के बाद ये सेशन का पाथ जनरेट किया गया है यहाँ पे। ये कौन सा पाथ जनरेट किया गया है, जो वो बता रहा था ना कि जब REST API कॉल करेंगे तो लंबा सा पाथ होगा, उसके बीच में प्रोजेक्ट आईडी होगी, फिर सेशन आईडी होगी, तो ये वो जनरेट किया गया। तो ये सेशन पाथ क्या हो गया, जनरेट हो गया मेरा। अब ये रिक्वेस्ट की पूरी बॉडी बनाई है, राइट। हमने जो रिक्वेस्ट की बॉडी बनाई थी वो इसी तरह की थी, थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी कि क्वेरी इनपुट था, फिर टेक्स्ट था, फिर डॉट टेक्स्ट, फिर लैंग्वेज कोड। तो ये इसने रिक्वेस्ट इस तरह क्रिएट कर ली। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट हमारे केस में नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हमारे केस में अभी फिलहाल है,
अभी सिंपल सिंपल रिक्वेस्ट जस्ट हम भेज रहे हैं। अच्छा फिर इसने कहा कि responses dot, अच्छा ये await क्यों के इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे इस पूरे मेरे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, async बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इस पूरे फंक्शन को अपने async बना दिया। अगली क्लास का भी टाइम हो गया है। जल्दी से यार इसको हम चलाने की कोशिश करते हैं। सही है जी, हमारा सर्वर जो है वो तैयार हो चुका है यहाँ पे। अब जाके हम अपने फ्रंट एंड से बोल कर देखते हैं कि उसको आया कि पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा। अब हम हाय बोलेंगे तो हमें रिस्पॉन्स कौन सा मिलना चाहिए जो डायलॉग फ्लो पे रिस्पॉन्स है। 700, अच्छा ये चैट बॉट, मेरा सर्वर जो है वो क्रैश हुआ हुआ है। किस वजह से क्रैश हुआ हुआ है? अच्छा मेरा सर्वर क्रैश हो रहा है जब मैं यहाँ से कुछ भेजता हूँ। अच्छा रिक्वेस्ट आते ही मेरा सर्वर क्रैश हो जा रहा है। देखता हूँ जी क्या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट इसको नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? ओ अच्छा एक्सप्रेस डॉट जेसन मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, सही है। उसके अलावा क्या होगा, बॉडी को पार्स नहीं करता वो, तो इसलिए मुझे ये नहीं मिल रहा। अब भेजते हैं दोबारा से ट्राई करते हैं, अभी भी क्रैश हो गया। अब क्या मसला होगा? Could not load the default credentials. अच्छा ये इसको default credentials नहीं मिल रहे, उसका reason ये हो सकता है कि जब चलता हुआ terminal है ना, अगर उसमें मैं environment variable update करता हूँ उसको पता नहीं चलता, तो terminal को ना बंद करके दोबारा खोलना पड़ता है, जब जाके उसको वो चीज मिलना शुरू होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे VS code को बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, VS code को मैं कर देता हूँ बंद, ताकि ना जो भी टर्मिनल इसके साथ खुला हुआ था वो भी बंद हो जाए, और मैं VS Code को फिर अगेन दोबारा से खोलता हूँ ताकि टर्मिनल बंद होके खुल जाए, अदरवाइज उसको एनवायरमेंट वेरिएबल की चेंजेस का पता नहीं चल रहा होगा। अच्छा अब मुझे जाना पड़ेगा CD 05 जी, पीछे बैठना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा जो आपके पास सीटें अवेलेबल है, और बाकी लोग बाहर वेट करें। अच्छा भाइयों, इस कोड में छोटा सा कोई एरर है जिसकी वजह से ये अभी भी क्रैश हो रहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमारी क्लास को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अगली क्लास का वक्त हो गया। तो आप सब लोग प्लीज जा सकते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। $10 $10 $10